अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम तुर्की स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की जा सकती है उस पर बात करेंगे। आज के ट्यूटोरियल के टोटल 7 पार्ट्स हैं, उसमें से फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आपने क्या क्या तैयारी करनी है, और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू रूम में किन चीज़ों का ख्याल करना है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जब आपकी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाती है तो उस सूरत में आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली जितने लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं उसका 50% जो है वो फाइनल उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो मींस आपके 50% चांसेस हो चुके हैं फाइनल सिलेक्शन के। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाने से पहले क्या डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की ज़रूरत है या नहीं है। इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो उसी टाइम से आप डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन जो है वो करवाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और फाइनल सिलेक्शन के बाद जो है मोस्टली इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सारी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन जो है वो करा सकें। तो इसलिए सजेशन ये है कि आप अगर आपकी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होती है तो आप फौरन से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन जो है वो स्टार्ट करवा दें, क्योंकि जस्ट अटेस्टेशन नहीं है, उसके बाद भी आपको अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको उनको ट्रांसलेट भी करवाना होता है, और ट्रांसलेशन के बाद में फिर अटेस्टेशन होती है एम्बेसी से, उस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है। फिर इस साल जो है वो इंटरव्यू कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है कि वो हर एक मुल्क के अंदर जा के वहाँ पे इंटरव्यू करने की बजाय ऑनलाइन इंटरव्यू करें, तो उस चीज़ का भी आप ज़हन में रखें कि आपने उस चीज़ के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, पहले से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, उसका भी ख्याल करना है। इंटरव्यू टीम के अंदर जो है वो मोस्टली सारे ही टर्की से लोग होते हैं, अगर इंडिविजुअल कंट्री के अंदर जाके वो इंटरव्यू करें तो उस सूरत में जो है वो सम टाइम्स उस कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव भी उनके साथ होता है। उसके अलावा टेक्निकल पर्सन भी एक हो सकता है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। होता ये है कि जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन 2 से 3 आप कह लें कि आपकी फील्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो उसके लिए एक टेक्निकल पर्सन जो है वो हो सकता है उसमें। आपके जो इंटरव्यू की टाइमिंग इस तरह से सेट की जाएगी जिस टाइम पे वो टेक्निकल पर्सन अवेलेबल हो। उसके अलावा इंटरव्यू बहुत ही बेसिक सा होता है, जनरल क्वेश्चन होते हैं, और उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अपने आप को आपने उस स्कॉलरशिप के लिए एक बेस्ट पर्सन के तौर पे प्रेजेंट करना है, तो वो आप उस चीज़ को ज़हन में रखें। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आप जो है वो अपना जो ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल किया हुआ है उसमें जो जो चीज़ें भी आपने लिखी हुई हैं, आपका स्टडी प्लान क्या है, आपके जो रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन लेटर्स आपने किन से लिए हुए हैं, आपने अपने जो रिसर्च प्रपोज़ल दिया उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपको उसी में से पूछे जाएंगे। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं वो। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हों या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, तो उस सूरत में आप एक जनरल इंटरव्यू के जो एथिक्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उसको ज़रूर ज़हन में रखें। जैसे टाइम से पहले पहुँचना और इंटरव्यू रूम के अंदर जाने के लिए परमिशन मांगना, उसके अलावा ड्रेसिंग आपकी फॉर्मल हो, आई कांटेक्ट हो ड्यूरिंग इंटरव्यू, उसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज है ड्यूरिंग इंटरव्यू वो कंट्री वाइज जो है वो वेरी करती है, अरेबिक भी वो होते हैं लोग उनके साथ, इंग्लिश बोलने वाले भी होते हैं, पर्शियन बोलने वाले भी होते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए जो है वो उन्होंने साथ पर्सन रखे होते हैं। उसके अलावा कॉन्फिडेंस का आपने बड़ा ख्याल रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, लाइवलीनेस शो करनी है, सेल फोन जो है वो आपका ऑफ हो, ये सारी चीज़ें जनरल जो इंटरव्यू की होती हैं वो आपने ज़हन में रखनी हैं। उसके बाद जब आप
इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने जो ऑनलाइन अपना डाटा फिल किया होता है उसके अगेंस्ट जो है वो वेरीफाई करते हैं। आपने नंबर सही एंटर किए हैं, आपने डेट्स सही एंटर किए हैं, वो सारा कुछ चेक करते हैं। उसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। सबसे पहले जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है उसको आप रखें, उसके बाद जो है वो ऐसे तरतीब से आते जाएं। उसके अलावा पासपोर्ट सी एनआईसी आप स्टार्ट में रख सकते हैं। बाकी इंटरव्यू के टाइम पे आपको पासपोर्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो आप ज़रूर साथ ले कर जाएँ। आपके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं तो उनको भी आप ज़रूर उसके अंदर रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट जो है वो डिग्रीज़ आप रखें, ट्रांसक्रिप्ट रखें। उसके अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो उनको ज़रूर अटैच करें। आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है, आपने कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, सब कुछ आप जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो ज़रूर रखें उसके अंदर, लेकिन उनको एंड पे रखें। आपने आइल्स एग्ज़ाम दिया है, आपने जीआरई दिया है, टॉफिल दिया है, कुछ भी दिया है, तो वो आप उसको उसके साथ ज़रूर रखें। आइल्स और टॉफिल जो है वो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट होता है तो उस सूरत में आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपका इंटरव्यू स्टार्ट इस तरह से होता है कि आपको सबसे पहले 60 to 90 seconds दिए जाते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। इंट्रोडक्शन करवाते हुए आप अपना नाम बता के, नेम फादर नेम के बाद आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। उसके साथ अगर आपका एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस, तो उसके बारे में बात करें। और इस दौरान अपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कोई ऐसी ज़रूर बात करनी है जिससे वो इम्प्रेस हो जाएं और आप दूसरों से मुख्तलिफ कैंडिडेट लगें उनको। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहें तो उसको भी ज़रूर मेंशन करें। देन आपके पास आता है जी स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के अंदर आपकी स्टडी के लिए मोटिवेशंस क्या हैं, क्यों आप फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं, टर्की में ही क्यों करना चाह रहे हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं या वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्टडी का आपकी कंट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है उसके ऊपर बात करें। आप से सवाल करेंगे तो उसमें आपने ख़ास तौर पे पैट्रियटिज़म शो करना है। आप उसके अंदर अपनी जो स्टडी के बेनिफिट्स हैं वो ये ना शो करें आप अपनी पर्सनल ज़ात के लिए। आप उसको कंट्री के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे अपनी स्टडी को, और उसके अलावा आप ये मत कहें कि मैं अपने पर्सनल बिजनेस की तरफ जाना चाहता हूँ। इस तरह की कोई अपने पर्सनल बेनिफिट्स की बात ना करें, बल्कि अपनी कंट्री के लिए जो है वो आपकी क्या क्या खिदमात आप दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं अपनी स्टडी के बाद, उसके ऊपर बात करें। उसके अलावा आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है उसके ऊपर बात की जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है क्या और उसमें आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं, आपकी रिसर्च के अंदर क्या कुछ है, उसके ऊपर वो आपसे पूछ सकते हैं या आप उनको बताएं। उसके अलावा जब आप क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो पहला जो आपका पार्ट है वो आप बताते हैं, तो उसके बाद वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हुआ है उसमें जो आपने यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस दी हुई है, वो आपने प्रेफरेंस क्यों दी है, किस बेसिस पे दी है, आपको एटलीस्ट जो फर्स्ट फोर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में पता हो कि इस फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपने दी है वो क्यों दी है, उस यूनिवर्सिटी के क्या जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर आपको आपसे पूछा जा सकता है। आप अपनी रिसर्च से रिलेट कर सकते हैं, आप जो है वो जिस सिटी की यूनिवर्सिटी है उस सिटी की तरफ आप कोई बता सकते हैं कि उसमें मेरा रहने का है। लेकिन इसमें अगर आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इनकी जो मेजर सिटीज़ हैं उनकी अगर सिलेक्शन की है तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर शो करें अगर आप वाकई में इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं कि मैं किसी और अगर सिटी में भी मुझे ऑप्शन मिलेगी तो मैं आ जाऊंगा। देन आपसे पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट जनरल क्वेश्चन, यानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की, पाकिस्तान के बारे में, आपके इंडिविजुअल कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है,
आप टर्की के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे पॉपुलेशन और उसके अलावा मेजर सिटीज़ के नाम पूछे जा सकते हैं। देन आप अपनी फील्ड के बारे में क्या कुछ जानते हैं उसके बारे में टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आपकी फील्ड के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ टर्की में काम कर रही हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और आपने टर्की को ही क्यों सेलेक्ट किया अपनी हायर एजुकेशन के लिए, आप जो प्रीवियस जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उससे क्यों नहीं आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर रहे, या अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर अगर आपको किसी और कंट्री में स्कॉलरशिप मिलता है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे, टर्की ही क्यों आएंगे, इसके ऊपर वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको वो रिजेक्ट कर दें तो उस सूरत में आपकी नेक्स्ट क्या ऑप्शन होगी उसके ऊपर भी वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपने कंट्री वापस आएंगे कि नहीं आएंगे उसके ऊपर भी वो पूछ सकते हैं। उसमें अगेन आप पैट्रियटिज्म शो करेंगे कि मैं अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट करने के बाद सर्विसेज जो हैं वो अपनी कंट्री को देना चाहता हूँ, अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। उसके अलावा अगर आप से वो ये पूछ सकते हैं कि आपने आप टर्की में किसी को जानते हैं, तो अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए किसी का रेफरेंस दिया है तो मेंशन कर दें, अदरवाइज़ कोई इतना कंपलसरी नहीं है। देन आपको स्कॉलरशिप के लिए किसने मोटिवेट किया, इसके अलावा वो आपको ये कह सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है आपने उसको क्यों नहीं अवेल किया, आपने टर्की को क्यों प्रेफर किया है, और क्या एजुकेशन टर्की में आपके कंट्री से बेटर है या नहीं है उसके ऊपर पूछ सकते हैं, अगर बेटर है तो किस वजह से है उसकी रीज़न दें, इस पे बात कर सकते हैं। देन वो आपसे पूछ सकते हैं अगर आपने जस्ट इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं तो उस सूरत में आप आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जस्ट इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ ही क्यों प्रेफर की हैं। उसके अलावा आपसे वो पूछ सकते हैं अगर हम आपको टर्किश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दें और स्कॉलरशिप ऑफ़र करें तो क्या आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसमें या फिर ये भी हो सकता है कि आपने दोनों को सेलेक्ट किया हो तो उसमें आपसे वो ये कहें कि अगर आपको टर्किश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाए तो आप क्या उसमें जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, तो इसमें आपके ऊपर है कि अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। देन वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी आप ने अगर आपकी पब्लिकेशन ज़्यादा हैं तो उस सूरत में ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी इतनी ज़्यादा पब्लिकेशंस क्यों हैं, कैसे हैं, तो इसमें स्ट्रेस्ड कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनको कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो बताएं कि किस वजह से आपकी ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं, और उसके अलावा जो है वो आप कितनी पब्लिकेशंस के अंदर फर्स्ट ऑथर हैं उस पे भी आपसे वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मैरिड हैं या नहीं हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करेंगे, वो उसमें ये भी कह सकते हैं लोग के जी मैं अपनी फैमिली को साथ रखूंगा, अगर वो कहते हैं कि हम अगर अलाउ ना करें तो उस सूरत में, तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की अगेन ज़रूरत पड़ेगी अगर आप वाकई में स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं। उसके अलावा आपसे वो पूछ सकते हैं कि जी अपनी एक स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस बताएं, तो आपकी जो बेस्ट स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बताएं उनको, और वीकनेस भी आप इस तरह से बताएं जो आपकी स्ट्रेंथ शो हो, इस तरह से आपने अपनी वीकनेस बतानी है। उसकी एग्जांपल इस तरह से भी कह सकते हैं कि जी आपको जो है वो आज तक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं हुआ तो ये एक आपकी नेगेटिव है, इससे पहले आप ऐसे एक्सपोजर के अंदर ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं किया हुआ एक्सपीरियंस नहीं है तो ये एक नेगेटिव बात है, लेकिन दूसरी तरफ से ये पॉजिटिव हो जाती है कि जब आपको इस चीज़ का एक्सपोजर मिलेगा तो ये आपकी स्ट्रेंथ को इनक्रीज़ करेगा। एट दी एंड वो आपसे ये कह सकते हैं कि जी आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूछें, ये वाला पॉइंट वो होता है कि जी आप अपना अभी तक आपने अपना जो है वो
कॉन्फिडेंस मेंटेन किया हुआ है और आपने अपना जो हिम्मत नहीं आ रही, और उसके अलावा आपका इंटरेस्ट शो करेगा आप कितने विलिंग हैं इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछें लेकिन ज़रूर पूछें, चाहे आप वो अपनी फील्ड से रिलेटेड पूछें, चाहे वो आप उनकी जो रिज़ल्ट आने की डेट है उसके बारे में पूछें, किसी भी तरह से उनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछें। तो ये थे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, और बाकी आपके लिए जो है वो गुड लक। आप इंशाल्लाह इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सिलेक्ट हो जाएं और हम आपको टर्की में मिलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।